लिफ्ट, जाओ जाओ पानी करो। गो टू। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप मेरा? लिफ्ट देने के लिए किसी को तो भेजिए मेरे पास। नहीं यार, गांव की गंवार लड़की है। रुकी, कहाँ जाना है तुम्हें? राव के घर तक। नहीं नहीं, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया, तो पहले मुझे पंक्चर वाले के पास जाना है। नाम क्या है? विकी। बैठो। ओके, थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि गांव की गोरियां इतनी एडवांस्ड हो गई कि किसी को लिफ्ट दे सके, इसीलिए मैं पहले डर रहा था। थैंक्स डार्लिंग। ओ डार्लिंग बोलना मेरी बचपन की आदत है। तुम यहाँ पर डॉक्टर राव की बेटी प्रिया को जानती हो? जानती हूँ, क्यों? कुछ नहीं, मेरे मॉम डैड उसे मेरे गले बांधना चाहते हैं। पता नहीं कैसी है, मोटी है, काली है, नाटी है या सुंदर है। सुंदर होना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। बचपन में बस वो थोड़ी खिसकेली थी, थोड़ा सा स्क्रू ढीला था। सिर्फ अपनी ही सोच रहे हो, उसने मना कर दिया तो? मुझे मना कर ही नहीं सकती, नो चांस यार। अभी पता चल जाएगा क्या कर सकती हूँ। पंक्चर वाले की दुकान उस तरफ है। ठीक है, वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत। क्या? मजाक कर रहा था। मेरे साथ वॉक पर चलना पसंद करोगी? थैंक्स डार्लिंग, फिर मिलेंगे। सफर एंजॉय करना। गांव की प्यारी सी गोरी। सॉरी यार, यहाँ से सीधे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? पहाड़ के पास। ओके, और उसके बाद? नदी के पास। नदी? और पंक्चर की दुकान कहाँ मिलेगी? वो इस तरफ नहीं है, सीधे चलते जाओ 10 किलोमीटर। व्हाट? क्यों बेटा, तुम टायर चेंज करने चिंचपोकली गए थे क्या? बस भी करो, इतने सालों के बाद गांव आया है, जरूर गांव में घूम रहा होगा। बेटी प्रिया। हाँ? अरे विक्की के लिए एक गिलास पानी तो लेकर आओ। गांव की गोरी। हंसले हंसले, आखिरी बार जी भर के हंसले। तुमने 10 किलोमीटर चलाया ना मुझे, अब देखना अगले 10 दिनों में तेरा क्या हाल करता हूँ। यू आर रिजेक्टेड। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, मुझसे दूर ही रहना वरना नानी याद दिला दूंगी। वैसे तुम्हें 10 किलोमीटर दूर इसीलिए छोड़ा था कि तुम समझ जाओ कि यू आर रिजेक्टेड। आपका सफर अच्छा तो रहा ना? वो तो अभी शुरू हुई है। ये iPhone 4 है ना? ये ग्लासेस गुची के है ना? ओकले। ओकले। मुझे दोगे? हमने सबसे कह के तो रखा है, लेकिन पक्की तारीख किसी को नहीं बताई है। कोई बात नहीं, चलकर सबको बता देते हैं। हमें जाने की क्या जरूरत है? विक्की चला जाएगा। विक्की? वो फिर कहीं भटक गया तो? हाँ, प्रिया चली जाएगी। ये ठीक रहेगा। अब आएगा मजा। बेटा मीठा? नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा, अब पता चले इतने कड़वे क्यों? मीठा जो नहीं खाते इसकी तो मैं। पहले बता कि किस बात से ज्यादा चढ़ती है तेरी बहन? एक नहीं, 3 बात बताता हूँ। किसी ने अगर उसे गुलाबो कहा तो उसकी खैर नहीं। चलिए रख और मजे कर। गुलाबो, मेरे लिए चिकन लाना। मामू, डेंजर। ई कहा, आपको कैश हुई कब आका? अनिक, उसी तरफ से ना उतरे? इस तरफ से मना है क्या? उल्लू बनाया?
थोड़ा मजाक करने का जी नहीं करता तेरा? जी कर रहा है तो पेटवा दबा दूं। नहीं दबा पाएगा, इट्स नेचुरल। सब जलते हैं मुझसे क्योंकि मेरे जैसा बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मेरी बात ही अलग है। चप्पल निकालो जल्दी, 50 रुपए की है, चोर बाजार से ली है, अब धो डालो। अरे चप्पलों को नहीं मेरे पैरों को धोना था। सुन रे, क्या तेरी बेटी है ना? हाँ मालिक। नाम क्या रखा है? हमारी माँ का नाम लतिका। लतिका, ये कैसा नाम है? दूसरों का नाम चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छे 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 छे। लतिका, लतिका, का आतील, कातील, एकदम परफेक्ट नाम, बढ़िया है ना? पसंद नहीं आया? छोटे लोग छोटी पसंद। ओहो, मुझे कॉफी इतना पसंद है ना कि अंकल आप मुझे मुड़वा लेंगे तो मेरी तरह जवान और स्मार्ट लगेंगे। क्या बोल रहा है? जस्ट जोकिंग रे बाबा, समझा करो। और बेटा सब ठीक ठाक? तुम बता क्या ठूस रहे हो? सिर्फ सांबर खा रहा हूँ। अरे अगर खाली सांबर पियोगे तो कैसे टेस्ट आएगा तुम्हें? नहीं, नहीं, बस थोड़ा आलू मिलाओ और बाकी सब सब्जियाँ मिलाओ और खाओ। क्या करे हो? थोड़ा गाजर भी खाओ, पत्ता गोभी भी खाओ, लो ठूसो अपने पेट में। अरे क्या करे पापड़ चूरा करके डाल दिया इसमें, देखना अब आएगा मजा। आई नो सबको टेस्टी खाना खाने का हक है। अंकल मेरे लिए भी कुछ बनाओ ना। आई लव यू माई बॉय, तुम्हारे लिए भी मैं कुछ टेस्टी बनाता हूँ। आपका हाथ तो नहीं जल गया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आग को पानी में भिगो के पी सकता हूँ। मैं बस अभी हाथ धो के आया। मैं नहीं भिखारी है। कैसे हो विकी बाबू, पहचाना नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 1 रुपया देगी तो मुझसे शादी करोगे। सच में? अभी भी दे दो, शादी कर लेगा तुमसे। याद आया विकी बाबू? तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम इस गुलाबों की नाक जो साफ किया करती थी। आप काम क्या करते हैं? बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है, वीडियो गेम बनाता है जो फालतू लोग खेलते हैं। हम कार में नहीं जा रहे? थोड़ी खराब है। तोड़ जाओ, मैं चला लेता हूँ। क्यों? ब्रेक लगाकर चिपकने के लिए? What? वाह क्या खुशबू है। मुलायम बाल। ओके, तुम चलाओ, पर ब्रेक मत लगाना वरना शामत आई समझो। ये क्या कर रहे हो? ब्रेक क्यों नहीं लगाया? तो कहा ब्रेक मत लगाओ। स्टॉप, उतरो। मेरी मदद चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओह गॉड। हैप्पी?
घर के टेरेस पर एक स्पेशल जगह है जहाँ कोई नहीं जाता। वो पता नहीं क्यों उसे स्पेशल लगता है, मेरा आईफोन। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती मेहमानों के घर पर पी रहे हो? वैसे मैं भी कभी घर पे नहीं पीता, पर जब पता चला है जगह तुम्हारे लिए खास है तो सोचा यहीं पी लेता हूँ। चलो उठो और यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है, मेरी प्राइवेट जगह। आउट। ए, वैसे पीने की मस्त जगह है। खेल तो भी शुरू हुआ है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त गुलाबो। इसका मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाय प्रिया, तुम्हारा विकी कैसा है? अभी भी पहले जैसा ही है, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग? दो दिन में ही परेशान हो गई? दो दिन की बात कर रहे हो? मैं तो उसे दो मिनट भी झेल नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। कुछ तो सोचना पड़ेगा। इका मालिक, विकी बाबू का गेम बजाएंगे? अरे उसका गेम बजाना तो एक मिनट का काम है, एक मिनट का। अरे मैं तो उसके कपड़े फाड़ फाड़ के उससे पाई पाई का हिसाब लूंगा, उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठोसूंगा, उसके बाद उसे बोरी में भर के कोड मारूंगा। ऐसे 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 मामा जी आपका भाई। जब तू लोट पोट हो रहा था, जब तू तालियां बजा रहा था, मैं तब आया। मैं कोड़े खा रहा था, तू हंस के हवा खा रहा था, हाथी का बच्चा। मामा कुछ भी बोलो पर हाथी का बच्चा मत बोलो। तो और क्या बोलूं, ऐसा लगता है कि किसी भैंसे ने पैंट और शर्ट पहन रखी है। हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ तुझे। मामा हाथी का बच्चा नहीं तो क्या, तेरी मामा हाथी का बच्चा मत कहो। हाथी का बच्चा आज से ये एरिया मेरा है, समझे? अगर तुमने कोई होशियारी की और अगर मुझे आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगा। ए! आया!